और आगे चलिए। भगवान के लिए वेदों में कहा गया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद छठवें अध्याय का 11वां मंत्र। एको देवः, भगवान एक है। आप कहेंगे हाँ ये तो हम भी जानते हैं। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, वेद में कहा गया भगवान एक हैं, एक ही तत्व है और वो है सुप्रीम पावर भगवान। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, ऋग्वेद। एक ही तत्व है, उसको संतों ने अनेक प्रकार से कह दिया है, लेकिन तत्व एक ही है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद तीसरे प्रपाठक के 14वें खंड का पहला मंत्र। बस केवल एक ही तत्व है, एक ही वो, और वो है भगवान। तो वेद में कहा गया कि वो भगवान एक है, ठीक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, और वो भगवान सब में रहता है, सबके हृदय में रहता है। हाँ, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, सबके हृदय में एक साथ भगवान रहते हैं, जी हाँ, और हमारे हृदय में भी रहते हैं, जी हाँ। तो फिर गधे के हृदय में भी रहते होंगे, जी हाँ। तो अगर भगवान गधे के हृदय में रहते हैं, तब तो भगवान फिर गधा बन गए। हाँ, आप घबराते क्यों हैं? हमारा भगवान संकुचित विचारधारा वाला नहीं है, हमारे भगवान तो सुअर तक बने हैं। हिरणाक्ष को मारने के लिए जब भगवान ने अवतार लिया, शुक्रा अवतार, तो बाकायदा पाखाना सूंघते हुए गए हिरणाक्ष को मारने के लिए। तो भगवान सब में रहता है, पाखाने में भी रहता है, हाँ, क्योंकि पाखाने के जो कीड़े हैं उनको कौन गवर्न करेगा? अगर भगवान पाखाने में नहीं रहेंगे तो पाखाने के कीड़ों को गवर्न भी तो करना है ना। तो भगवान एक है। फिर कहा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब में रहता है। फिर सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापक भी है। अच्छा, हाँ, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः, गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान सर्वव्यापक भी हैं। अच्छा, अजी ये तो कई विरोधी बातें हो गई। या तो आप कहिए कि सबके अंदर रहते हैं, आप तो कहते हैं कि बाहर भी रहते हैं, यानी कण कण में भी व्याप्त हैं। हाँ, तम दुर्दर्शम गूढ़ मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 12वां मंत्र। ये संपूर्ण विश्व एक गहन वन के समान है और वो सर्वव्यापक भगवान इसके कण कण में व्याप्त है। और एक जगह और रहता है भगवान, कहां? अपने धाम में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति।
श्वेताश्वतरोपनिषद छठवें अध्याय का 14वां मंत्र, और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है। दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र, और यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। यानी भगवान अपने धाम में रहते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। भगवान के लोक में ये सूर्य नहीं रहता, चंद्रमा नहीं रहता, तारे नहीं रहते, अग्नि नहीं रहती, विद्युत लाइट नहीं रहती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो, भगवान कहते हैं मेरा जो लोक है वहां ये सूर्य भासित नहीं होता। न शशांको, ये चंद्रमा भी वहां नहीं रहता। न पावक, वहां अग्नि भी नहीं रहती। नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, वहां विद्युत भी नहीं रहती, अग्नि का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वो मेरा धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहां से लौट कर फिर कोई यहां नहीं आता, वो मेरा धाम है, जहां पर ये सूर्य ये चंद्रमा ये तारे ये अग्नि नहीं रहते। आप कहेंगे दीदी फिर तो वहां बड़ा गुप अंधेरा रहता होगा, ऐसा कैसा भगवान का लोक है जहां रोशनी ही नहीं है, सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं। हाँ, वहां ये सब नहीं है लेकिन हैं। घबराइए नहीं आप लोग। आप कहेंगे दो विरोधी बातें, ये सूर्य चंद्रमा अग्नि तारे वहां नहीं है लेकिन हैं। हाँ ऐसा ही है। क्या मतलब? मतलब ये प्राकृत सूर्य प्राकृत चंद्रमा प्राकृत तारे प्राकृत अग्नि ये सब वहां नहीं है। हमारे यहां तो भगवान भेजते हैं ना ये सब, इसलिए हमको ये सब मिलता है। और भगवान के यहां, भगवान के लोक में ये सब सामान कौन भेजता होगा? कोई नहीं। तो भगवान खिसी आ गए, उन्होंने कहा कोई हमारे लोक में सूर्य चंद्रमा भेजता ही नहीं है तो फिर क्या करें, चलो हम ही बन जाते हैं सूर्य, हम ही बन जाते हैं चंद्रमा, हम ही बन जाते हैं अग्नि। तो स्वयं भगवान ही वहां सूर्य बन गए हैं अपने लोक में, चाहे उसको वैकुंठ कहिए, चाहे साकेत कहिए, चाहे गोलोक कहिए, स्वयं भगवान चंद्रमा बन गए हैं। इसीलिए जब कोई अधिकारी जीव भगवान के लोक में जाता है और वहां के सूर्य चंद्रमा इत्यादि को देखता है तो उसको उतना ही आनंद मिलता है जितना आनंद भगवान को देखने पर मिलता है। भगवान के लोक में जल भगवान ही बन गए हैं। जितने भी अलंकार हैं भगवान के वो सब भगवान ही बने हैं। इसलिए अगर आप भगवान के पीतांबर के एक छोर को भी देख लेंगे तो भी आपको उतना ही आनंद मिलेगा, आपको माने जो अधिकारी है। हम देखेंगे तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। हमको तो अगर भगवान के लोक में भेज दिया जाए तो हो सकता है हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। हम कहेंगे ये क्या है जी, यहाँ तो लफंगों की गवर्नमेंट लगती है, क्या लफंगे यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन जो परमहंस हो गया है या जो अधिकारी भक्त हो गया है वो जब भगवान के लोक में जाता है, वहां के जल को देखता है, पृथ्वी को देखता है, तो ब्रह्मानंद को भूलकर प्रेमानंद में सराबोर हो जाता है। तो देखिए कितनी विरोधी बातें, भगवान एक है
वो सब में रहता है और बाहर यानी सर्वव्यापक भी है और अपने धाम में भी रहता है।